वहां पर अगर हम बच्चों को स्कूल भेजते तो हमारे ऊपर फितवे लगते थे, मौलवी फितवे लगा देते थे हमारा माशरा ऐसा है, लेकिन हमने उनकी तरफ नहीं देखा। जब ये प्रोग्राम उनका खत्म हुआ 6 महीने के बाद, उनको 2-2 लाख रुपए मैं अपनी डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी साहब आप नोट कर लें, मौलवियों ने मस्जिदों में भी मतलब मैडम को बताया, वहाँ ये हमारा एक माशरा है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने मुकाबला किया। आज हमारी बहन ने भी आज आपके सामने है, और देखें हमारे बदकिस्मती से हमारे माशरे में ख्वातीन के हवाले से बुरा समझा जाता है जब वो आगे आ जाती है, लेकिन हमारे इस्लाम ये नहीं कहता है, कुरान ये कहते हैं बाज के हम सब आपस में हैं, कोई किसी से बालातर नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, उसके बेटे नहीं थे, और अपने बेटियों से ही वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था, खासकर फातिमा उसकी छोटी बेटी, हालांकि उसके आपको बेहतर पता है। इसी तरह मैं खुद भी यकीन रखता हूँ कि खवातीन को एम्पावर किया जाए, और इसी तरह हमारी गुलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी इस बात पर यकीन रखती है कि खवातीन को एम्पावर किया जाए। इसी आपके सामने मिसाल है, ये पहली गवर्नमेंट है जो हमारी कैबिनेट के अंदर जो आरटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जो हमारी बहन लीड कर ली है। इसी तरह हमारे सोशल वेलफेयर का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारी मैडम दिलशाद बानू लीड कर रही है। इसी तरह स्पीकर हमारे साजा दानिश साहिबा, वो असम्बली को लीड कर रही है, वो स्पीकर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इसी गवर्नमेंट में ख्वातीन को एम्पावर करने में सबसे ज़्यादा यही गवर्नमेंट है। तो अल्लाह कह रहे हैं अगली भी जो भी गवर्नमेंट आए तो वो ख्वातीन को ज़्यादा तरजीह दें। इसी तरह उसी गवर्नमेंट ने पहली दफ़ा वुमन पॉलिसी बनाई, सिक्टी साहब ऐसे में सही कह रहा हूँ, और इसी तरह यूथ पॉलिसी हमने पहली दफ़ा बनाई, क्योंकि आपको पता है यूथ और हमारे ख्वातीन इस माशरे की जब तक इसको हम एम्पावर ना करें, उनको दोनों सतून को मजबूत नहीं करेंगे, तो इस माशरे में चलना हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह ये और इसी यूथ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं जितनी भी ये हमारी खासकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमजा भाई से कि आप थोड़ा दियामर की तरफ भी तवज्जो दें। आपने खुद कहा क्योंकि दियामर एक पासवानदा इलाका है, वहाँ कबाली ट्राइब हैं, तो हम इस तरह कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहली दफ़ा, और दूसरी बात मैं ये बताऊँ वहाँ पर अभी माशाल्लाह पहले से बेहतर है, क्योंकि वहाँ अभी बच्चियाँ मेरे खुद घर से मेरी बहनें 2 बहनें उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके एक बेटी मेरी बांझी स्कूल जा रही है, पहले मेरे गाँव में ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि जीबी गवर्नमेंट आपको पता है ग्रांट में चलने वाला सोबा है, तो बड़ी मुश्किल से हम चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। जीबारिस्पी की मैं शुक्रिया अदा करता हूं, वो मेहनत कर रहा है, तो आपसे भी आप भी इस इलाके से हम दियामर से ताल्लुक रखते हैं, जो गवर्नमेंट से अगर सीम साहब से भी अगर किसी चीज़ की जरूरत होती है तो मैं आपके साथ ताउन करने को तैयार हूँ। आप दियामर की भी तरफ तवज्जो दे दें, क्योंकि दियामर में मेरे ख्याल से इस वक्त इसी ख्वातीन के हवाले से काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात जो हमारी यहाँ पे 100 ख्वातीन को यहाँ पर आप लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट से 10-10 ख्वातीन को लिए हैं, उसको मैं ये आज प्रोग्राम की वसादत से इनको मैं ये अनाउंस करता हूँ, 6 अरब 20 करोड़ रुपये इस वक्त सर्कुलेशन में है, मैं यूथ से मुखातिब हूँ, क्योंकि ये पहली गवर्नमेंट है जो यूथ को एम्पावर कर रही है। मैं आपके स्मेंस मेरी एज 26 साल एज है, मैं आपके सामने हूँ, तो मैं चाहता हूँ यूथ के लिए जितने भी अगर लोन हम 2-2 लाख रुपये दे रहे हैं ना, 2-2 लाख रुपये हम बगैर मुनाफे के बगैर सूद के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल से सिक्टी साहब आरटी के अंदर भी चल रहा है, हम वो दे रहे हैं सूद, तो आप उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जी भी गवर्नमेंट आपके साथ हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, ख्वातीन को एम्पावर करने में हम यकीन रखते हैं। तो इंशाल्लाह जब भी आप दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा बिल्कुल तवज्जो दें।